गुनाहगार पे भी तेरी इनायत करना मुझ गुनाहगार पे भी तेरी इनायत करना मुझ गुनाहगार मुझ गुनाहगार पे भी तेरी इनायत करना हश्र के रोज मेरी आका शफात करना फैजाने आला हजरत फैजाने जिंदा शहमदार फैजाने शहीद आजम जिक्रे शहीद आजम शहीद शाह तरन्नुम फहीम अख्तर साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। मेरे नौजवान भाई मुकम्मल जज्बात में है, अब शेर पहुंचाता हूँ, बिलखसूस ये शेर मेरे यंग जनरेशन तक पहुंच रहा है। सारे लोग दिल लगाए और सरकार के नाम पर कहे सुभान अल्लाह, शेर पर अमल कर लिया इंशाल्लाह जिंदगी में इंकलाब आएगा। बाबे मेंबर की दुआ लेकर श्री के रोज मेरी आका शफात करना के दिल ये सरकार को देना था कहाँ दे बैठा दिल ये सरकार को देना था कहाँ दे इसको कहते हैं अमानत में खयानत करना। बेशक बेशक बहुत अच्छा। इस शेर पर नारा लगना चाहिए था, सिद्दीक भाई का हुक्म हो रहा है, दोबारा से पढ़ता हूँ और चाहता हूँ कि नारा आगे से नहीं बल्कि पीछे वाले महल्ले से भी लगे, सब सरकार के दीवाने आशिक बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा और देखिए नारा लगाने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा रात में एक मखलूक निकलती है, बल्कि दिन में भी निकलते हैं, गली कूचों में चौराहों पे सड़कों पे खड़े होकर सीना तान के गलत काम करते हैं। सबको मालूम है ये जो कर रहे हैं गलत है, लेकिन उन्हें कोई शर्माहट नहीं, शर्माते नहीं है। जब वो लोग गलत काम करने में नहीं शर्माते हैं तो आप लोग अच्छा काम करने में क्यों शर्माते हैं? दिल खोल के करना चाहिए, दिल लगा कर कहे सुभान अल्लाह। शेर मुलायदा फरमाए के दिल ये सरकार को देना था कहाँ दे बैठा इसको कहते हैं अमानत में खयानत करना। बेशक जवाब दे सारे लोग। बेशक मेरे खानदान से हुक्म हो रहा है कि ये शेर दोबारा सब फिर से पढ़ दे, पढ़ दे, समझ में तो आ गया होगा। फहीम अख्तर साहब, अगर पूरी रात इस शेर को पढ़ेंगे फिर भी हमसे हक अदा नहीं है, इतना बड़ा शेर पढ़ा। अल्लाह सलामत रखे आपकी मोहब्बतों को समातों को। और दिल लगा कर कह दे या रसूल अल्लाह के दिल ये सरकार को देना था कहाँ दे बैठा दिल ये सरकार को देना था कहाँ दे बैठा इसको कहते हैं अमानत में खयानत करना करना।
इसको कहते हैं अमानत में खयानत करना। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, यकीन है तैयार हो जाएंगे कि इश्क करना है तो सरकारे मदीना से करो, इश्क करना है तो सरकारे मदीना से करो। क्यों? इश्क दुनिया के हसीनों से कभी मत कर। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत अच्छे। अब एक शेर, बिल्कुल हालात हाजरा के तहत। भाई आपने देखा होगा नफरतों का पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर एक माहौल, एक बाजार सा गर्म है। दूर क्यों जाते हैं? भाई भाई से नफरत कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से नफरत कर रहा है, महल्ले वाला महल्ले वाले से नफरत कर रहा है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक नफरतों का बाजार सा लगा हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमने सरकार की हदीस को सही से पढ़ा अमल नहीं किया, इसलिए ये हालात बने हुए हैं। अगर सरकार की हदीस पर अमल हो जाता तो ये शेर जो आप तक पहुंच रहा है बिल्कुल इसके तहत इंशाल्लाह तड़पेंगे। और हम इश्क वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, नफरतों वाले नहीं हैं। अगर मोहब्बत वाले हैं तो मोहब्बत का सबूत देंगे। दिल लगा कर कहें सुभान अल्लाह, शेर सुनकर बताइएगा। इश्क दुनिया के हसीनों से कभी मत करना। तैयार रहे सिर्फ इश्क वाले लोग, के सिर्फ नफरत को मोहब्बत से हरा सकते हो, सिर्फ नफरत को मोहब्बत से हरा सकते हो। कैसे? कोई नफरत जो करे उसे मोहब्बत करना, कोई नफरत जो करे उसे मोहब्बत करना। अब हुसैनी तैयार हो जाए। के बने है दर के सिवा सबको कहाँ आता है, सबको कहाँ आता है। नोके नेज़ा पे भी कुरान की तिलावत कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, फैजाने आला हजरत, फैजाने जिंदा शाह मदार, सही शाहे तरन्नुम फहीम अख्तर बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक बेशक। मेरे भाई शायरे अली सुन्नत बद्रे आलम फरियादी साहब का बयान है, मसलके आला हजरत के नाम का नारा बुलंद किया, फैजान जिंदा शाह मदार, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहीउल अकीदा। सुन्नी सहीउल अकीदा वही कहलाता है जो तमाम औलिया इकराम से दिल से मोहब्बत और दिल से उन्हें जाने। मैं शेर पहुंचाता हूं, देखता हूं ताजु शरिया का कौन दीवाना है, उसके बाद इंशाल्लाह मुकम्मल यहां से सफर करते हुए मकनपुर शरीफ और मकनपुर शरीफ से इंशाल्लाह करबला। इतना सफर कर सकते हैं तो खामोश क्यों है? कोई प्लेन थोड़ी मंगाना पड़ेगा। ये हम सुन्नियों के मुकद्दर में है कि बैठे हैं केसरपुर में और यहाँ से बैठे बैठे मदीने शरीफ का सफर कर। अल्हम्दुलिल्लाह आलम तसव्वुर में, ज्यादा तमहीद में नहीं जाऊंगा, बहुत तेजी के साथ शेर पढ़ता हूँ। अब ताजु शैया के गुलाम तैयार रहे। इश्क दुनिया के हसीनों से कभी मत करना,
इश्क दुनिया के हसीनों से कभी मत करना कि जाल पहला है कुल्ली मेरी मुदाद मेरे ताजे शरीयत करना करना मेरी क्या बात ताजु शरिया आज शरिया क्या बात है आज शरिया अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद मक्ता और उसके बाद चलते हैं इंशाअल्लाह बारगाहे कुतुबुल मदार तक इंशाअल्लाह वहां से फिर करबला शरीफ चलेंगे देर तो नहीं हो रही है दिल लग रहा है और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह इश्क दुनिया के हसीनों से कभी मत करना ऐ ज़फ़र बज़े शाह मदीना से हमें ऐ ज़फ़र बज़्मी शहंशाह मदीना से हमें आला हज़रत ने सिखाया है मोहब्बत करना करना आला हज़रत ने सिखाया है मोहब्बत करना करना इश्क दुनिया के हसीनों से कभी मत करना बस वही लोग बोलेंगे जो मदारे पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं और फर्जी मोहब्बत वाले ना हम हैं ना फर्जी मोहब्बतों के कायल हैं शेर हाजिर करता हूँ मकल पर से ये गूंज उठी सदा है।